गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सत श्री अकाल, आदाब। मैं सभी का नमस्कार करता हूं। मैं अजय वेलकम करता हूं 7 मिनट के बेहतरीन चैनल पे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दूसरा, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये वाला रेफरल कोड लगा देना, इंग्लिश के 3 अक्षर और मैथ के 2 अक्षर। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लो, बैंक में लो, SSC में लो, या फिर UPSC में लो, PCS में लो, डिफेंस में लो। अब प्यारे साथियों, मैं आगे चल रहा हूँ। अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। देखना गाइस, ये पहला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे सोल्व करते हो? वैसे तो मुझे पता आप कैसे सोल्व करते हो, लेकिन अब आगे से कैसे सोल्व करोगे आपके पास में देखना, किस तरीके से आप इसे यूज करोगे। सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे 120 है, 120 को आप गुणा करो 15 × 8 से, कितना हो गया आपके पास में 120। अब मैं 120 ही एक नंबर ले ले रहा हूं, तो आप इसको गुणा करो 12 × 10 से, तो 120 हो रहा है। अब प्यारे साथियों, ये 120 है, दोनों बारी मैंने 120 लिया, 15 × 8 12 × 15। अब मुझे बताओ 15 × 12 हुआ तो 15 से 12 हुआ, और ये 8 से 10 हो गया, तो क्या इनका अनुपात कितना हो गया? 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, इधर कितना हो गया? 4 अनुपात 5। कहने का मतलब मैं यहां से एक रिजल्ट बताने वाला था। आपके पास में कोई एक नंबर फिक्स है, कोई एक नंबर फिक्स है, वो दो संख्याओं से गुणा करके बनाया जाता है, दो संख्याओं से गुणा करके बनाया जाता है, तो ये दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल होंगे। ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रख लेना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये 5/4 है तो ये अपने आप 4/5 हो जाएगा, ये जैसे 3/2 है तो ये अपने आप 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, कहने का मतलब क्लियर होगी होगी यहां से बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं मिटा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कोई एक बात फिक्स है और वो दो संख्याओं से गुणा करके बनाई गई है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी? उल्टी होंगी, रेसिप्रोकल होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस पूरे प्रश्न में फिक्स बात देखनी है। फिक्स बात कौन सी है? देखो, यहां पे 25 किलो पानी उड़ा दिया गया। अब भाई, पानी उड़ाया गया, इसका मतलब यहां पे नमक की मात्रा फिक्स है। देखो, यहां पे नमक है और पानी है, पानी से छेड़खानी की गई तो यहां पे नमक की मात्रा बराबर है। यहां से किसकी मात्रा बराबर है? नमक की मात्रा फिक्स है। नमक की मात्रा क्या है? फिक्स है। और नमक की मात्रा किस बात पे डिपेंड करेगी इस प्रकार के प्रश्न में? टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज। हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ये फिक्स वाली बात डिपेंड करेगी टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज में। ये परसेंटेज किसका होगा? इस नमक का परसेंटेज होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस से पॉज करके पीछे जाना और दोबारा से समझ लेना। अब आपके पास में नमक कितना था? पहले 18 था और अब कितना हो गया? 24। तो कितना हो गया परसेंटेज? परसेंटेज कट गया, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। तो ये 3/4 है, तो यहां पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 4/3 हो जाएगी? क्या आप मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू 4/3 हो जाएगी क्या? हाँ या ना? उल्टी हो जाएगी ना। अब आपके पास में टोटल क्वांटिटी है, कुल मिश्रण है। स्टार्टिंग में कुल मिश्रण 4 था, अब मिश्रण है 3, तो कितना मिश्रण उड़ा दिया गया? आप बोलोगे सर, एक मिश्रण उड़ा दिया गया। तो यहां पे प्रश्न में कितना उड़ाया गया? 25। तो एक का वैल्यू 25 है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? तो प्रारंभ में 4 मिश्रण था, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 100। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यह देखना है नमक फिक्स है या पानी फिक्स है। पानी के साथ छेड़खानी की गई तो पानी फिक्स नहीं हो सकता, नमक फिक्स होगा। और नमक टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज, ये परसेंटेज नमक का ही होगा। नमक का 18 था, 24 हो गया, 18 से 24, तो 24 से 18, फिर काट देना लास्ट में, कुछ भी नहीं करना इससे इसके अलावा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर एक और करके देख लेता हूं मैं। ये लो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। कोई एक बात फिक्स हो और दो संख्याओं से गुणा करके बनाया गया। करने के लिए और भी बहुत बेहतर तरीके, लेकिन मैं इसको बताना चाह रहा था। ये वाली बात फिक्स है तो ये दोनों संख्या आपस में गुणा, रेसिप्रोकल होंगी। सबसे पहले आप मुझे बताओ, पानी की मात्रा 68% है, पानी और पल्प। अब आप बोल रहे हो पल्प क्या होता है? भाई, कोई भी फल होता है उसमें गूदा होता है नहीं होता है? उसमें गूदा होता है नहीं होता, वो वाली बात। पानी 68% है तो गूदा कितना हो जाएगा? 32।
अब सूखने पे पानी 20% रह गया तो गुदा आपके पास में कितना हो गया 80%। अब मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, कोई भी फल सूखता है तो उसमें पानी की मात्रा सूखती है ना कि गुदे की मात्रा। पानी सूख जाएगा उससे तो यहां से पल्प फिक्स रहेगा, पल्प फिक्स रहेगा। और पल्प किस बात पे डिपेंड करेगा, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज। ये परसेंटेज इसका होगा पल्प का, पहले 32% अब 80% है। परसेंट से परसेंट कट गया, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो ये 2/5 है। तो अब कितना हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा ना, 5/2। तो स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, 5 किलो था। स्टार्टिंग में 5 था तो प्रश्न में क्या बोला, 100 किलो ताजा फल, तो 5 का वैल्यू 100 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 20। तो आपको क्या बोला गया, कितना किलो सूखा फल निकाला जा सकता है, तो 5 से 2 किलो फल निकाल रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 40। प्यारे साथियों कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि कौन सी वाली बात फिक्स है। मैं होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूं, करने को आप दूसरे तरीके से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी से फिक्स वाली बात से करना कि यहाँ पे देखो दूध और पानी है, 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो यहाँ पे किसकी मात्रा फिक्स रहेगी, मिल्क की, मिल्क की मात्रा फिक्स रहेगी। और मिल्क की मात्रा किस बात पे डिपेंड करेगी, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज, और ये परसेंटेज मिल्क का ही होगा, यहाँ पे पानी का दे रखा है तो इसको मिल्क का बनाओ, ये 10 है तो ये 90 है, इस तरीके से। तो ये होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे। मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है, आप एक बार समझोगे ना तो इस प्रकार के सारे प्रश्न ऐसे फटाफट कर दोगे। करने के लिए मैं और भी बहुत सारे तरीके आपको बता दूंगा, नए नए तरीके मैं बता दूंगा, तो ये होमवर्क कर लोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। एक और मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, 4 नंबर का, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन कोई भी नहीं दिया, आप खुद से बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है एक और, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, इसी फिक्स वाले तरीके से। आपको पहचानना है कि फिक्स कौन सा है, बार बार इसको आगे पीछे करके जरूर देख लेना, ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है गाइस। और ध्यान रखना 7 मिनट ट्रिक पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, और आप को ये 7 मिनट में कोशिश की जाती है समय के अभाव में। अगर आप मेरे को डेली जुड़ना चाहते हो तो वाईफाई स्टडी चैनल पे 7:30 बजे मेरे से जुड़ सकते हो, 7:30 बजे मेरे से जुड़ सकते हो, मेन चैनल है अपना 7:30 बजे, वहां पे आप जुड़ सकते हो। वाईफाई स्टूडियो पे मेरे से 12 PM पे जुड़ सकते हो, वाईफाई स्टूडियो पे मेरे से 12 PM पे जुड़ सकते हो, और अनअकैडमी पे मेरे से 10 बजे जुड़ सकते हो, यहाँ पे अनअकैडमी में मेरे से 10 बजे जुड़ सकते हो। ये टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, आप तो सुबह वाईफाई स्टडी चैनल पे आ जाना 7:30 बजे, वहां से मैं बता दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।